लेंगे अगली खबर। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ भारत की जंग लगातार जारी है। कोरोना के खिलाफ जंग में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की नई नवा उम्मीद की किरण लेकर आई है। इसी कड़ी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ओर से विकसित कोरोना की दवा 2DG की पहली खेप लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दवा को हरी झंडी दिखाई। सरकार के दावों के मुताबिक ये दवा अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों की तेजी से रिकवरी में मदद करती है। लॉन्चिंग के बाद अगले 1-2 दिनों में ये मरीजों को मिलने लग जाएगी। इस दवा को डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के मदद से तैयार किया गया है। हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब में इसकी 10,000 डोज बनकर तैयार हुई हैं।